नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा ने देश भर में जनता के सामने सीएए के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मुहिम चलाई है। इसी क्रम में बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने अपने छिंदवाड़ा प्रवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सीएए पर देश को गुमराह कर रही है। भाजपा ने सच सामने लाने और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए 6 जनवरी को फवारा चौक में विशाल आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मैं क्या शपथ लेता हूँ, मैं संविधान की कसम खाता हूँ या संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं इसका पूरा पालन करूंगा। मंत्री सरकार में जाता है, उनकी शपथ लेता है। स्टेट में मुख्यमंत्री मंत्री सहित विधायक भी इसी बात की शपथ लेता है। और केंद्रीय कानून, आप नागरिकता कहाँ की ले रहे हो? मध्य प्रदेश की क्या, भारत की नागरिकता कहाँ? मैं भारत का नागरिक हूँ क्या? मध्य प्रदेश का नागरिक निवासी मध्य प्रदेश का, नागरिकता भारत की। कानून किसका पालन होता है? संविधान का पालन। शहर के मालदक्का क्षेत्र के हरिजन और आदिवासियों को पट्टा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद शिव मालवी ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार महेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी भाइयों के साथ, हरिजन भाइयों के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। हमारा सरकार से मांग है, जिला प्रशासन से मांग है, ऐसे भूमाफियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर इसे रोका जाए, अन्यथा हम जिला प्रशासन को ये आगाह करवाना चाहते हैं, यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ, इनको न्याय नहीं मिला, तो हम धरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सौसर क्षेत्र के आमला, नदुढ़ाना, जोबनीखापा, सिलौरा, घोघरी, डुकरझेला और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदा और भारी ओलावृष्टि की वजह से कपास, तुअर, गेहूं, चना, संतरा और अन्य फसलों की अत्यधिक मात्रा में फसल की बर्बादी हुई है। आज युवा नेता सुपान कोले ने इस घटित गंभीर आपदा का मंजर देखने और किसानों को ही आने का बयान करने विभिन्न ग्रामों में पहुंचे। किसानों के दुख की इस घड़ी में सभी किसान भाइयों को ढांढस बंधाया और किसानों से रूबरू होकर सारी समस्याओं को क्षेत्र के सांसद नकुलनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को सारी स्थिति से अवगत कराया। 5 जनवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा आगमन के समय सभी किसान अति ओलावृष्टि से हुए नुकसान और उचित मुआवजा के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। जीएस रायसोनी विद्यालय साईखेड़ा में कृषि प्रदर्शनी उत्सव का आयोजन 8 जनवरी को किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को नई नई तकनीक बताना, साथ ही नए उपकरण से किसानों को खेती करवाना। रायसोनी ग्रुप में अभी तक 4 गांव गोद लिए हैं, जिसमें ग्रुप के स्टूडेंट किसानों को ऑर्गेनिक खेती कराना सिखा रहे हैं। ग्रुप की वाइस चांसलर डॉक्टर मीना राजेश ने लोगों को अपील की है कि आने वाले 8 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में किसान पहुंचकर आयोजन का लाभ लें। पहला एग्री फेस्ट, नेशनल लेवल एग्रीकल्चर फेस्ट कर रहे हैं जनवरी 8 तारीख के लिए। ये स्टूडेंट्स और फार्मर्स को मिलाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के स्टूडेंट्स बहुत ही इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स लाते हैं। उनका सही उपयोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है उनको हम ब्रिज करके ये एक प्लेटफॉर्म दिला रहे हैं, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम एरिया ऑफ एग्रीकल्चर दोनों साथ में आए। और जय जगत यात्रा आज छिंदवाड़ा जिले के मौखेड़ विकासखंड के ग्राम सांवरी से प्रस्थान कर ग्राम खूनाझिर कला पहुंची, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक नीलेश उइके के साथ एसडीएम ओपी सनोडिया, तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर एकता परिषद द्वारा विश्व शांति, समरसता और गांधी जी के विचारों को आमजन तक पहुंचाने के लिए जय जगत यात्रा शुरू की गई है, जिसमें 15 देशों के गांधीवादी विचारकों के साथ ही 50 पदयात्रियों द्वारा 10,000 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।